चाहे आप 12th पास हो या हो ग्रेजुएट, आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा, आपने इंजीनियरिंग में कोई पढ़ाई कर रखी है या फिर कुछ और, आपकी एज मैक्सिमम 35 यानी कि 35 साल तक भी है, तो आज के इस वीडियो में जिसमें मैं आपको डिफरेंट एयरलाइंस में डिफरेंट जो पोजीशंस हैं वर्टिकल्स हैं उनकी वैकेंसी का अपडेट दूंगा, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 डिफरेंट एयरलाइंस की वैकेंसी का अपडेट दूंगा, जिसमें ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, एयरलाइन, एयरपोर्ट और थर्ड पार्टी, इन सभी के बारे में वैकेंसी का अपडेट होगा। ये वैकेंसी 12th और ग्रेजुएशन के अलावा अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर भी होंगी, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, इनमें से मैक्सिमम ऑफ द वैकेंसीज जो भी हैं, इनका एक अलग से डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर इस वीडियो के बाद तुरंत आऊंगा, तो वो आप वीडियो मिस न कर दें। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया सेट्स में जो वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। एयर इंडिया सेट्स में अभी के टाइम में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। रिमेनिंग डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें वो लोग जिनका एज 35 है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है। वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं आप इसे नोट कर लीजिए और आपको यहां पर चले जाना है सीधी भर्ती के लिए। जैसा मैंने बताया, इस वीडियो का डिटेल्ड वीडियो मैं इस वीडियो के बाद लेकर जरूर आऊंगा। जो अगली वैकेंसी दिख रही है वो है दोस्तों, दिख रही है अकासा एयर में। अकासा एयर में पायलट्स की वैकेंसी आ रखी है। इसके रिगार्डिंग मैं ज्यादा डिटेल नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग जो कि पायलट बनना चाहते हैं वो दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल नोन, दे आर वेरी स्मार्ट, और उनके लिए वीडियो के स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स है वही काफी है। वो इसको देखकर समझ सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। इसमें अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है। जो अगली वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। एयर इंडिया एक्सप्रेस 12th पास कैंडिडेट को हायर कर रही है एज अ कैबिन क्रू। यहां पर ये जो हायरिंग है ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, आप इसे नोट कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका अप्लाई करने का लिंक डाल रखा है। इस वाली वैकेंसी में जो सबसे अच्छी बात आती है वो ये कि यहां पर डेट टाइम प्लेस दिया हुआ है, तो यानी कि आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली वहां पर मूव कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में अभी के टाइम में जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी हैं केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए अभी के टाइम में काफी कम वैकेंसी आती है, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेरे समझ से आपको अकासा एयर की वैकेंसी का अपडेट जरूर चेक करना चाहिए, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल होते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने अकासा एयर में जो वैकेंसी थी उसका अपडेट दिया था। तो अगली वैकेंसी है वो है AIASL की। अगर आप AIASL के प्रोसेस के बारे में अवेयर हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें एज का जो वेरिएशन होता है वो जाता है 33 यानी कि 33 साल तक। लखनऊ के लिए ये जो वैकेंसी है इसमें 5 डिफरेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी आ रखी है, जिसमें पहला आता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दूसरा आता है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, फोर्थ वन इज ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर एंड फिफ्थ वन इज टर्मिनल मैनेजर। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स के बारे में तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स, ये है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, अभी जो देख पा रहे हैं ये है ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, और फाइनली आप देख पा रहे हैं टर्मिनल मैनेजर। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां पर इस पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस पे ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। मैं इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाकर जल्द ही आपके सामने आऊंगा, जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ये जो वैकेंसी है या फिर इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी का मैं डिटेल, सभी का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी अगर डाउट है तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में कमेंट करके, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे मुझसे कनेक्ट होकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें AI सेट्स की वैकेंसी के बारे में, या फिर AIASL के बारे में, या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस की वैकेंसी के बारे में, या फिर बात करें अकासा एयरलाइन में जो वैकेंसीज हैं, सभी के लिए एक बात आपको ध्यान देनी होगी।
कि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है आप उसको सही तरीके से देखिए, समझिए, जानिए। वैसे अगर आपको डाउट होगा तो जैसा मैंने बताया मैं वीडियो इसके रिगार्डिंग लेकर जल्द ही आ रहा हूं, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी डिटेल दिए हुए हैं आप उनको देखकर समझ सकते हैं। और नहीं तो इसका जो वैकेंसी का अपडेट आया था उसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पर भी डाल रखा है। वैसे एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई एयर एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं वहां पर फ्री क्लास देता हूं। वैसे अगर आप मेरे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो 2500 रुपीज में आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आप किसी वैकेंसी का अपडेट चाहते हैं तो ऊपर वाले वीडियो को और नहीं तो नीचे वाले वीडियो को जरूर